Welcome to the today's lecture. We have finished the theory of rotational motion and we have done some numericals. Today we will discuss some more numericals of this chapter. These numericals will be based on torque, angular momentum, moment of inertia, rotational kinetic energy and law of conservation of angular momentum. Let us do the first numerical, what it says. A force of 2 Newton. We have a force and that force is a 2 Newton force. We have a force, that force is how much? 2 Newton force. Hamare paas force F hai, that force is 2 Newton force. Acts on a particle P in XZ plane. See here. Here we have a particle P and this particle P is in XZ plane. And on this particle P, a force F equal to 2 Newton acts. The force F is parallel to x-axis. ये जो ये force मेरा F है, this is parallel to x-axis. देखो, ये x-axis है, यहाँ से x-axis जा रही है, ये x-axis जा रही है, ये देखो x-axis जा रही है, इसको जो ये force है, ये है parallel. The particle P is at a distance of 3 meters. जो particle P है, ये O से कितना दूर है? 3 meters. And the line joining P with the origin. ये line जो है, जिसने P को origin के साथ join कराया, इसने angle 30 degree बनाया with x-axis. इसने angle कितना बनाया? 30 degree with x-axis. The magnitude of torque with respect to origin O in Newton meters is. ठीक है? देखो, force आप लिखेंगे कितना है? Force आप लिखेंगे कितना है? 2 Newton. शाबाश, आपको particle है P, ठीक है ना? इस particle पे एक force act हो रहा है. इस फोर्स ने एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाया 30 डिग्री एंगल बनाया. नाउ आप जो ये पार्टिकल है जिस लाइन ने पार्टिकल को ओरिजिन के साथ जॉइन कराया उसने कितना एंगल बनाया 30 डिग्री किसके साथ एक्स एक्स के साथ. आपको क्या निकालना है टॉर्क. लेट अस डू दिस क्वेश्चन. ये वाई एक्सिस है ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहां पर मेरे पास एक पार्टिकल है ये दिस इज पार्टिकल पी. इस पार्टिकल पी पे यहां पर एक फोर्स एक्ट होता है दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इज 2 न्यूटन फोर्स. ये लाइन जिसने पार्टिकल को ओरिजिन के साथ जॉइन कराया इस लाइन ने 30 डिग्री एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ. ये लाइन जिसने पी को ओ के साथ जॉइन कराया इसने 30 डिग्री एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ. और जो ये फोर्स मेरा है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस को. अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन. ठीक है, मुझे पता है टॉर्क जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ या होता है आर एफ साइन थीटा. ठीक है, पहले मैं देखूंगा यहां पर क्या दिया गया है. ये डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर. यानी जिस लाइन ने इसको पार्टिकल को ओरिजिन के साथ कनेक्ट कराया उसका लेंथ उसकी डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वो कितना है 3 मीटर्स. तो मैं यहां पर लिखूंगा F मेरा है 2 न्यूटन. R जो मोमेंट आर्म है डिस्टेंस वो है 3 मीटर. उसके बाद थीटा एंगल जो वो है 30 डिग्री. मुझे टाउ निकालना है सिंपली. F है 2 न्यूटन, R है 3 मीटर्स, ये है R डिस्टेंस 3 मीटर्स, थीटा जो है वो 30 डिग्री बना है इधर. ठीक है, मुझे क्या निकालना है टाउ. मुझे पता है टाउ होता है R F sin थीटा. सिंपली टाउ होगा R F sin थीटा. बेसिकली टाउ जो है दैट इज R क्रॉस F. ठीक है ना, अब मैग्नीट्यूड लिखेंगे टाउ होगा R F sin थीटा. ठीक है, टाउ निकालो बच्चों, वैल्यू दे दो. R का वैल्यू कितना है 3 इंटू एफ कितना है 2 इंटू साइन 30 डिग्री क्योंकि थीटा 30 है. ये निकलेगा टाउ इज इक्वल टू 3 इंटू 2 साइन 30 जो है वो है 1/2 2 एंड 2 गोज आपका जो टाउ है वो निकलेगा 3 न्यूटन मीटर. टाउ जो निकला वो निकला 3 न्यूटन मीटर. सिंपली वो समझ आया ना. आर दिया गया है एफ दिया गया है थीटा दिया गया है आपको टाउ निकालना है. टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. ठीक है, this completes this question. The position of a particle is given by R is equal to I plus 2J minus K. Particle की position दी गई है, यानी particle का position vector दिया गया है with respect to origin, वो क्या है? I plus 2J minus K. ठीक है ना? Angular momentum दिया गया है,
P is equal to 3i plus 4j minus 2k. मोमेंटम दिया गया है, नॉट एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम दिया गया है. आपको क्या निकालना है? द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लाइज एट इक्वल एंगल्स टू ऑल द थ्री एक्सिस. पहले हमें इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम निकालना है. बाद में हम देखेंगे कि क्या एंगुलर मोमेंटम एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, एंगुलर मोमेंटम वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर है, एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर है. देखो कैसे हम करेंगे. पहले हम आर को नोट करेंगे. आर कितना है? शाबाश, आर कितना है? आर कितना है? नोट करो, आई प्लस टू जे. पी कितना है? शाबाश, पी कितना है? थ्री आई. नोट करो ना, प्लस फोर जे माइनस टू के. मुझे बताना अभी, ठीक है? चलिए, आर जो है वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर को दिया गया है. कितना है? आई प्लस टू जे माइनस के. हमारा लीनियर मोमेंटम पी दिया गया है. कितना दिया गया है? थ्री आई प्लस फोर जे माइनस टू के. फिर से बताओ, थ्री आई प्लस फोर जे माइनस टू के. देखो बच्चों, अब हम पहले एल निकालेंगे, बैक में देखेंगे हम एल किस एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा. देखो, एल के लिए फार्मूला है, एल होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी, यानी एल होता है आर क्रॉस पी. एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है? इसको बच्चों हम ऐसे लिखेंगे, एल इज इक्वल टू, ऐसे देखो, आई जे के, उसके बाद लिखते हैं एक्स वाई जेड. एक्स जो है वो एक्स कंपोनेंट आर का, वाई जो है वो है वाई कंपोनेंट आर का, जेड जो है वो है जेड कंपोनेंट आर का, है ना बच्चा? उसके बाद मोमेंटम का लिखेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड. यहां देखो बच्चों, जो एक्स है ये आर का एक्स कंपोनेंट है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ आई. आर में देखो आप कोएफिशिएंट ऑफ आई, कोएफिशिएंट ऑफ आई जो है वो है 1, यानी एक्स जो है वो है 1, ठीक है? y जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ j, वो कितना है? 2. z जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ k, वो है -1, ठीक है? तो हम ऐसे लिखेंगे, ये मिलेगा मुझे l इज इक्वल टू i j k. अब i के, i का कोएफिशिएंट जो है वो है 1, y का कोएफिशिएंट जो है वो है 2, z का कोएफिशिएंट जो है -1. अब px जो है वो i का कोएफिशिएंट है, वो कितना है? 3. px 3 है, px 3 है, py 4 है, pz है -2. खुला ये डिटरमिनेंट जैसे मैंने सिखाया है, l जो होगा वो होगा i into, देखो i के सीध में है वो नहीं लिखने हैं, हमें बाकी लिखने हैं. बाकी क्या है मेरे पास? अब 2 -1 4 -2. दूसरा माइनस आता है, ये सिखाया गया है, माइनस जे, तो यह आएगा 1 -1 3 -2, जो जे के सीध में वो नहीं लिखे. इसके बाद प्लस के, प्लस के, जब मैं प्लस के लिखूंगा के सीध में वो नहीं लिखेंगे, यह आएगा 1, शाबाश, बोलते नहीं हो 1 2 3 4, ऐसे आएगा, ठीक है बच्चों? ठीक है ना बच्चों? आप देखो मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा L इज इक्वल टू आई इन टू, बच्चों देखो 2 2 4 मगर -4. देखो इसके बाद माइनस आता है, माइनस आता है, मगर वो माइनस और ये माइनस प्लस बनेगा, 4 1 4, ये है -4, फार्मूला का अपना माइनस, माइनस माइनस बनेगा प्लस, दिस इज +4, ठीक है? ठीक है ना, दिस इज +4. उसके बाद माइनस जे, देखो 2 1 2, -2, 3 1 3, -3, लेकिन फार्मूला का अपना माइनस है ना, माइनस माइनस हो गया +3. उसके बाद प्लस के, ये देखो 4 1 4, 3 2 6, दरमियान में माइनस आएगा, यह आएगा एल इज इक्वल टू 4 -4 हो गया 0, ये है 0 आई, 3 -2 हो गया 1, ये है माइनस जे, ये है माइनस जे, माइनस जे, 2 1 हो गया 2, ठीक है, शाबाश, माइनस जे, शाबाश. उसके बाद आ गया प्लस, प्लस 6 -2 हो गया, शाबाश, ये आएगा -2k. तो
तो आपका जो L है, L आपका आया माइनस जे माइनस टू के, ये आपका L आया, L आपका आया माइनस जे माइनस टू के, ठीक है, यहां तक ठीक है, माइनस जे माइनस टू के। इसका मतलब है जो आपका L एंगुलर मोमेंटम है वो उस प्लेन में है जिसमें y एक्सिस है और z एक्सिस है। इसका मतलब है जो आपका L है यहां पर एंगुलर मोमेंटम, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस, ये लग रहा है मुझे क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इतना मुझे माइनस जे माइनस टू के, इसका मतलब है ये लगभग लगभग मेरा एंगुलर मोमेंटम जो है वो वाई जेड प्लेन में है। अब देखना है मुझे ये जो एल है, ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये किस एक्सिस को परपेंडिकुलर है वो मैं कैसे देखूंगा। देखो बेटा, आपका एल निकला, आपका एल निकला किसके बराबर निकला, शाबाश, माइनस जे माइनस टू के। अब मैं कैसे प्रूव करूंगा ये किस एक्सिस को परपेंडिकुलर है। आपको पता है जो एक्स एक्सिस वाले साइड में यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, जो वाई एक्सिस वाले में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, जेड में क्या है के कैप, ठीक है। अगर इस वेक्टर और जो एक्स एक्सिस वाले साइड में वेक्टर होगा, अगर इन दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो निकल गया तब ये परपेंडिकुलर हो गया एक्स एक्सिस को, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। देखो एक्स एक्सिस के साइड में हमें कौन सा वेक्टर है, आई कैप, ठीक है ना, ठीक है ना। हम देखेंगे नाउ माइनस जे माइनस टू के, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा आई के साथ। आई कहां से यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस से, यानी वो एक्स एक्सिस के साइड में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट करो, ये होगा माइनस जे डॉट आई माइनस टू के डॉट आई, जे डॉट आई जीरो है, के डॉट आई जीरो है, ठीक है। तो आपका निकला इन दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो निकला आपको जीरो। इसका मतलब है जे माइनस टू के, ये क्या है, एल, ठीक है ना। इसका मतलब है ये आई कैप को परपेंडिकुलर होगा, आई कैप कहां से यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस से। इसका मतलब है जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो किस एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस को। पहले मैंने एंगुलर मोमेंटम निकाला, फिर मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट किया आई के साथ, जे के साथ, के साथ, जिस जो तीन यूनिट वेक्टर है जिसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ये उसी एक्सिस को क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यहां जीरो निकला, इसका मतलब है हमारा एल जो होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अलोंग पीसी, यहां देखो बच्चों, ये पीसी लाइन है, ये पीसी, ये है पी, ये है सी, ये पार्टिकल मेरा जो है इट मूव्स अलोंग दिस लाइन, ये लाइन जो है पीसी विद वेलोसिटी वी, ये वेलोसिटी है। देखो बच्चों, ये पार्टिकल है, इसका मास m है, ये मूव करता है अलोंग दिस लाइन विद वेलोसिटी v, अलोंग दिस लाइन, इट मूव्स अलोंग दिस लाइन, ये पार्टिकल जो है इट इज मूविंग अलोंग दिस लाइन, ठीक है, ठीक है, विद वेलोसिटी v। क्योंकि ये आपका पार्टिकल p है, यहां देखो मास भी, वेलोसिटी इसी साइड में है, जिस साइड में वेलोसिटी होगा उसी साइड में आपका लीनियर मोमेंटम होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो आपका p होता है वो होता है m mv, यानी उसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ व्हाट, एज दैट ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी यहां से है, लिहाजा आपका लीनियर मोमेंटम होगा वो भी इधर से होगा, लीनियर मोमेंटम इधर से होगा, लिहाजा ये लाइन जो है, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहां से ओ से इस पी तक जो लेंथ है, ये लेंथ दी इसने स्मॉल एल, मुझे क्या बोलना है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ, मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन आपको पता है, एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम यानी पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो बेटा, तो आपका एल जो होगा वो होगा पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एम जो है पी, जो है पी, पी है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो आपका एम जो होगा मोमेंटम के बदले लिखूंगा मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो ये जो है ये लाइन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन है। इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ से वो कितना है, वो कितना है एल, कैपिटल एल नहीं है, वो स्मॉल एल है। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपका एंगुलर मोमेंटम सीधे बनेगा एल इज इक्वल टू एम वी इंटू स्मॉल एल। इसने कैपिटल एल भी दिया है लेकिन आपका सीधे निकलेगा एल इज इक्वल टू एम वी इंटू कैपिटल एल। ठीक है ना, दिस कंप्लीट दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, ए पार्टिकल विद ए पोजिशन वेक्टर आर, हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका पोजिशन वेक्टर क्या है आर, ओरिजिन से जिसका पोजिशन वेक्टर दिया गया है वो दिया गया है आर। ठीक है, एंड लीनियर मोमेंटम पी, उस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम दिया गया है वो दिया गया है पी, और उस पार्टिकल का जो पोजिशन वेक्टर है वो दिया गया है आर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम एल अबाउट द ओरिजिन। हमें इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बताना है। अब हमें बताना है, ये बड़े स्टेटमेंट्स दिए गए, तीन चार स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें बोलना है एंगुलर मोमेंटम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, एल एक्ट अलॉन्ग पी, एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक्ट होता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये ठीक है गलत है। एल एक्ट अलॉन्ग आर, ये ठीक है गलत है। एल इज मैक्सिमम व्हेन पी एंड आर आर पैरेलल, ये ठीक है गलत है। तीसरा, एल इज मैक्सिमम व्हेन पी इज परपेंडिकुलर टू आर। देखो बच्चों, आपको पता है एल जो होता है वो होता है आर पी साइन थीटा। पहले पहले मैं बताऊंगा, एल होता है आर पी साइन थीटा, क्योंकि मेरा एल जो होता है वो होता है आर क्रॉस पी। ठीक है ना, एल होता है आर क्रॉस पी। एज पर क्रॉस प्रोडक्ट रूल ऑफ वेक्टर्स, जो मेरा एल होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू आर, परपेंडिकुलर टू पी। एल उस प्लेन में परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में आर होगा और पी होगा, यानी एल होगा परपेंडिकुलर टू आर, एल होगा परपेंडिकुलर टू पी। इसका मतलब है पहले तो ऑलरेडी रॉन्ग स्टेटमेंट है, एल एक्स अलॉन्ग पी, नो एल इज परपेंडिकुलर टू पी। एल एक्स अलॉन्ग आर, नो एल इज परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, नाउ ये जो थीटा है ये एंगल है आर और पी के दरमियान। अगर आर और पी पैरेलल होंगे, ये आर होगा ये पी होगा, अगर ये पैरेलल होंगे तो आपका थीटा जो होगा वो होगा जीरो डिग्री। ठीक है, जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको एल निकलेगा आर पी इंटू साइन जीरो, साइन जीरो जो है वो जीरो है, तो आपका एल निकला जीरो। अब अगर आर और पी परपेंडिकुलर होंगे, ये है पी ये है आर, अब मैंने इनको क्या रखा परपेंडिकुलर, अब थीटा कितना है, थीटा कितना है 90, आप निकालो एल, एल हो गया आर पी साइन 90। इसका मतलब है एल हो गया आर पी साइन 90 है 1, इसका मतलब है एल हो गया आर पी, आर पी मींस जो एल का वैल्यू इस वक्त है वो है मैक्सिमम, इस वक्त जो है मिनिमम। तो मैक्सिमम कब है एल का वैल्यू, जब आर किसको परपेंडिकुलर है पी को, या पी किसको परपेंडिकुलर है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, डी पार्ट है ना, एल इज मैक्सिमम, एल मैक्सिमम तब है व्हेन पी इज परपेंडिकुलर टू आर, एल इज मैक्सिमम व्हेन पी इज परपेंडिकुलर टू आर। अगर पैरेलल होंगे उस वक्त एल जीरो होगा। ठीक है, तो लास्ट जो स्टेटमेंट है वो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है ना, दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल। मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड, कल जो पढ़ा आपने क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन वो पढ़ा था, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, when no external torque acts on the system, when no external impulse acts on the system, none of the above. जरा इसको क्या आएगा, when no torque acts on the system, क्यों, आपको पता है जो tau होता है वो होता है dl by dt, यानी rate of change of angular momentum। अगर tau zero होगा, यानी अगर external torque zero होगा,
तो आपका डी एल बाई डी टी जो होगा वो होगा वो होगा जीरो. दिस एम्प्लाइज आपका एल जो होगा वो होगा कॉन्स्टेंट. यानी एंगुलर मोमेंटम तब कॉन्स्टेंट होता है जब जब क्या होता है, जब उस सिस्टम पे कोई टॉर्क एक्ट नहीं होता है. फोर्स जब जीरो होगा उस वक्त इसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा. लेकिन रोटेशनल मोशन में फोर्स के बदले हम टॉर्क लेते हैं और टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अगर टॉर्क जीरो होगा डीएल बाई डी टी जीरो होगा. जब डीएल बाई डी टी जीरो होगा इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा कांस्टेंट. दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन. A particle of mass m is rotating in a plane in a circular path of radius r. जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है इस वक्त इसको कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो उसको क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं? बिकॉज दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है ना. एंड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल एंड एक्ट्स अलोंग द रेडियस वेक्टर. इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एल. जो पार्टिकल आपका पार्टिकल जो है उसका मास एम है वो एक सर्कल में घूमता है. उस सर्कल का जो रेडियस है वो है आर और उस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम वो है एल. The centripetal force acting on the particle is. अब आपको यहां से बोलना है centripetal force जो particle पे act होगा वो क्या होगा. Centripetal force आपने formula पढ़ी है. Centripetal force होता है m v square divided by r. m v square divided by r. ये क्या होता है? Centripetal force. है ना. Centripetal force का expression जो होता है वो होता है m v square by r. अब मुझे ऐसे बताना है centripetal force कैसा होता है. देखो बच्चों, जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस p इनटू r. ठीक है. जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है m v इनटू r. चूंकि p जो है दैट इज m v. सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m v स्क्वायर बाय r. एंगुलर मोमेंटम होता है p इनटू r. p जो होता है वो होता है m v. ठीक है. ठीक है. देखो ये जो एक्सप्रेशन ए बी सी और डी है इसमें कहीं नहीं भी है, कहीं नहीं भी है. लिहाजा मुझे इस इक्वेशन में वी को इलिमिनेट करना है. ठीक है ना. यहां से वी का वैल्यू निकालो, वी का वैल्यू निकालो, वी का वैल्यू निकाला तो ये बन गया एल डिवाइडेड बाय एम आर. ठीक है. ठीक है. अब वी का वैल्यू उठाया इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो वी का वैल्यू. ठीक है. तो सब्स्टिट्यूट करो तो आपको निकलेगा एफ सी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय आर इनटू वी का वैल्यू. शाबाश. एल डिवाइडेड बाय एम आर का होल स्क्वायर. ठीक है. एफ सी हो गया एम बाय आर, एल बाय एम आर का होल स्क्वायर. तो आपका एफ सी निकला एम बाय आर. ठीक है ना. इनटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एम स्क्वायर आर स्क्वायर. ठीक है ना. अरे बाबा वी का वैल्यू दे दिया, m by r अलग है तो v का वैल्यू निकाला मैंने इससे, इस एंगुलर मोमेंटम वाले एक्सप्रेशन से. ठीक है. तो v इलिमिनेट हो गया, लगभग खत्म हो गया, v नहीं है यहां पर. एक m और एक m खत्म. तो आपका fc निकला, ऊपर रहा l स्क्वायर, नीचे रहा m r, जब r स्क्वायर हो गया r क्यूब. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन निकला आपको l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m r क्यूब. तो यहां पर है l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m r क्यूब. सो ऑप्शन d इज करेक्ट. ठीक है. This completes question number 6. A torque of 30 Newton meter is applied on a 5 kg wheel. A torque जो मेरे पास है कितना है? शाबाश. 30 Newton meter. वो मैंने एक wheel को apply किया. Wheel जानते हो ना? Wheel है wheel. Wheel चला सा wheel स्कूल में आपने. पहले wheel किसमें है? रेस्ट में. जब मैंने उस पे टॉर्क एक्ट किया तो व्हील घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा. ठीक है ना. रोटेट करने लगेगा. उस व्हील का मास कितना है? 5 केजी. हूज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 केजी मीटर स्क्वायर. जिस व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, वो वहीं से दिया गया है. कितना दिया गया है? 2 केजी मीटर स्क्वायर फॉर 10 सेकंड्स. ये टारक जो है ये मैंने इस पे लगाया कितने सेकंड्स के लिए? 10 सेकंड्स के लिए. द एंगल कवर्ड बाय द व्हील इन 10 सेकंड्स विल बी. जब बॉडी रोटेटरी मोशन में होती है, रोटेशनल मोशन में होती है, जो वो एंगुलर डिस्क्राइब करती है, जो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब करती है वो एंगल के बराबर होता है. तो हमने यही एंगल निकालना है, एंगल निकालना है यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है. ठीक है ना. यहां पर हम देखेंगे टॉर्क कितना हमारा. शाबाश. 30 न्यूटन पर मीटर. यहां देखो मास ऑफ व्हील कितना है? 5 केजी. इसके बाद हमारा आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है 2 केजी मीटर स्क्वायर. उसके बाद मेरा टाइम जो है वो है 10 सेकंड्स.
मुझे क्या निकालना है, मुझे थीटा निकालना है। देखो मुझे मैं कैसे करूंगा इसको, लेट मी डू इट। ये एक व्हील है, उस व्हील का जो मास है दैट इज 5 kg। उस व्हील पे मैंने टॉर्क एक्ट कराया, वो टॉर्क जो है वो है 30 Nm। कितने टाइम के लिए टॉर्क मैंने अप्लाई किया इस पे? 10 seconds के लिए। और जो ये व्हील है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है दैट इज 2 kg/m². ठीक है ना? मुझे निकालना है एंगल डिस्क्राइब्ड बाय दिस व्हील इन 10 seconds। मैंने थीटा निकाला, मुझे क्या निकालना है? थीटा। थीटा है डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में आपको ये रिलेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at². इसका रोटेशनल इक्विवेलेंट जो है s के बदले थीटा, u के बदले इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, वो होता है ओमेगा नॉट, टाइम हो गया टाइमिंग, प्लस 1/2 a के बदले जो है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, इनटू टाइम हो गया टाइमिंग, दैट्स t². यानी थीटा निकालने के लिए हमें फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा t². अब ओमेगा नॉट जो है ये है व्हील की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियली जो व्हील मेरा था वो रेस्ट में था, ठीक ना? तब मैंने इस पर टॉर्क एक्ट किया। ओमेगा नॉट जो है दिस इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो यहां पर जीरो है, वो यहां पर जीरो है। अब मुझे थीटा निकालने के लिए यहां अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा, अल्फा निकालना है, अल्फा। देखो टाउ भी है आई भी है, मैंने न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशन मोशन में ऐसे लिखा था टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। यहां देखो ओमेगा नॉट भी दिया गया है, जीरो है, टी 10 seconds है, मुझे अल्फा निकालना है, ठीक है ना? जब मैं अल्फा निकालूंगा इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो थीटा आएगा, ठीक है ना? अल्फा यहां से आएगा, अल्फा जो होगा वो होगा टाउ डिवाइडेड बाय आई। तो निकालो यहां अल्फा हो गया आपका टाउ जो है वो है कितना 30 डिवाइडेड बाय आपका आई जो है वो है 2, तो आपका अल्फा जो है वो निकला 15 radians/s², एंगुलर एक्सेलरेशन मेरी निकली अल्फा इज इक्वल टू 15 radians/s². अब इसको अल्फा का वैल्यू इसमें दे दो, ठीक है ना? Therefore, first becomes, निकालो थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट जीरो है, दिस इज जीरो इंटू टाइम 10 है, 10 सेकंड्स इंटू 10 प्लस 1/2 आपका जो है अल्फा वो 15 है, इंटू आपका टी जो है वो 10, तो 10 स्क्वायर है, तो ये बना थीटा इज इक्वल टू जीरो इंटू 10 हो गया जीरो ही, ये है 1/2 इंटू 15 इंटू 100, ठीक है ना? 10 जार हो गया 100, दिस इज 2 ones are 2 50s are 100, थीटा निकला 50 into 15, तो हमारा जो थीटा होगा वो होगा 750 radians। कैसे निकाला आपने? m दिया गया है, tau दिया गया है, आई दिया गया है, आपको थीटा निकालना है। थीटा के रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, मगर ओमेगा नॉट टी आपका ऑलरेडी जीरो दिया गया है, ठीक है ना? वो रेस्ट में है आपका पहले भी, ठीक है ना? तो वहां से फिर आपने tau इज इक्वल टू आई अल्फा से अल्फा निकाला, अल्फा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको थीटा आ गया, ठीक है ना? दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ए कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 100 Nm, ए कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 100 Nm, टॉर्क दिया गया है, कितना दिया गया है शाबाश? बोलो जी, टाउ दिया गया 100 Nm, 1000 Nm, 1000 Nm। टर्न इज अ व्हील, इसने किसको टर्न किया? किसको टर्न किया? व्हील को टर्न करा रहा, टी टर्न कर रहा व्हील को। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया गया है, कितना है व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 200 kg/m². ये व्हील है, इधर ये व्हील है, व्हील है, इस पे टॉर्क एक्ट कराया, तो इसने क्या काम किया? इसने टर्न किया व्हील को अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ये व्हील ऐसे है, यहां से एक्सिस है, दिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील, इसने इस व्हील को रोटेट कराया अबाउट दिस एक्सिस। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील आफ्टर 3 seconds विल बी, आपको व्हील की क्या निकालनी है? एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 seconds, यानी टाइम दिया गया है 3 seconds। लेट अस डू दिस क्वेश्चन।
टॉर्क टाउ दिया गया है वो है 100,000 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है दैट इज 200 केजी मीटर स्क्वायर। पहले व्हील रेस्ट में था, टॉर्क से पहले व्हील किस में था? रेस्ट में था। तो आपका ओमेगा नॉट जो होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो होगी जीरो। टाइम दिया गया है, टाइम है 3 सेकंड्स। हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। इनिशियली क्यों ये जीरो है? क्योंकि इनिशियली किस में है? रेस्ट में। जब आपने टॉर्क लगाया इस पे तब इस व्हील ने रोटेट किया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। देखो लीनियर मोशन में हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस at, है ना। रोटेशनल मोशन में v के बदले ओमेगा, u के बदले ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, है ना, प्लस a के बदले अल्फा, है ना, टाइम के बदले t के बदले टाइम, ठीक है ना। तो यहां पर पहुंचो, ओमेगा कैसे निकलेगा हमें? ओमेगा होगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। ओमेगा नॉट मुझे पता है जो जीरो है, अब मुझे किसकी जरूरत है भाई? अल्फा की। अल्फा मैं निकालूंगा टाउ से, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। हमें पता है टाउ होता है आई अल्फा, अल्फा निकालो, अल्फा हो गया टाउ बाय आई, ठीक है, ठीक है। अल्फा हो गया बराबर टाउ का वैल्यू दे दो कितना है खबर, 1000 डिवाइडेड बाय वो क्या 200, ये निकलेगा सीधे 10, सीधे निकलेगा 5 निकला हमारा 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, वो अल्फा निकला। अब अल्फा ओमेगा नॉट और टी का वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, कर दो सब्स्टिट्यूट, आपको आएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट जीरो है प्लस मेरा अल्फा 5 है और मेरा टाइम जो है वो है 3 सेकंड्स, ठीक है। तो मेरा एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो होगी 15 रेडियन पर सेकंड, सिंपली अल्फा निकाला, ठीक है, ठीक है। चलिए थोड़ा रेस्ट करो। A constant torque of 31.4 Newton meter, a constant torque of 31.4 Newton meter is exerted on a pivot, is exerted on a pivoted wheel, pivoted wheel. एक torque हमारे पास है tau, वो tau है 31.4 Newton meter. वो torque मैंने एक wheel पे लगाई. If the angular acceleration of wheel is 4 pi radian per second square, हमें निकालना है moment of inertia. Simple question. Tau है इतना और अल्फा जो आपका है वो है 4 pi radian per second square. अब आपको I निकालना है, very easy numerical. दो दिए गए, एक निकाल सकते हैं सीधे. Tau जो है वो है इतना दिया गया है, अल्फा इतना दिया गया है, हमें आई निकालना है। एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन टाउ होता है आई अल्फा। सिंपल क्वेश्चन, टाउ होता है आई अल्फा, जरा आई किसके बराबर है बच्चा? शाबाश, आई हो गया टाउ बाय अल्फा। तो आई आपका निकलेगा, देखो भाई, 31.4 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 3.14, किसका वैल्यू लगाया? पाई का, है ना, पाई का 4 पाई। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू, ऊपर देखते हैं, ये हो गया 314 डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 4 इनटू 314 डिवाइडेड बाय 100। इसका भी डेसिमल हटाया, उसका भी डेसिमल हटाया, दोनों का डेसिमल हटाया, ऊपर देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 314 डिवाइडेड बाय 10 into 100 divided by 314, ठीक है बच्चों, और 4 आएगा ना नीचे, into 4, 4 आएगा ना सीधे नीचे, 314 divided by 10 into 1000, देखो, ये और ये cancel, 10 ones are 10, 10s are 100, तो ये बनेगा 10 divided by 4, यानी वो निकलेगा 2.5 kg meter square, 10 को 4 से divide करो, वो निकलेगा 2.5 kg meter square, ठीक है, 2.5 kg meter square. This completes this question. A flywheel of moment of inertia 3 × 10⁻²⁰ kg meter square. हमारे पास एक flywheel है, wheel है ना, wheel, सिर्फ आप wheel मानो, उसका moment of inertia दिया गया है, यानी I आपका दिया गया है, k
कितना हमारा आई शाबाश आई है 3 × 10^2 केजी मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड दी गई होगी उधरी से इज रोटेटिंग इसका मतलब है इनिशियल यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड दी गई है वो कितना है शाबाश ओमेगा नॉट दिया गया है वो है 4.6 रेडियन पर सेकंड इसके बाद जब ये घूम रहा है विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ये घूम रहा है उसके बाद मुझे आया मैंने बोला इस पे मैं और टॉर्क ऐड करूंगा इफ ए टॉर्क ऑफ 6.9 × 10^2 न्यूटन मीटर रिटार्ड्स दिस व्हील ये व्हील घूम रहा है ठीक है ना इसको एंगुलर वेलोसिटी है अब मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में जो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट कराऊंगा वो टॉर्क इसकी एंगुलर वेलोसिटी को कम करेगा वो इसको रिटार्ड करेगा है ना ये व्हील यहां से घूम रहा है मैं टॉर्क यहां से लगाऊंगा वो टॉर्क जो है वो इस व्हील को इस वक्त क्या करेगा रिटार्ड करेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है कम करेगा अल्टीमेटली एक वक्त आएगा ये व्हील किस में आएगा रेस्ट में तो आपका टॉर्क है टॉर्क जो आपका है वो है 6.9 × 10^2 न्यूटन मीटर ये रिटार्डिंग टॉर्क है दिस इज रिटार्डिंग टॉर्क बिकॉज इट रिटार्ड्स द व्हील द टाइम इन विच द व्हील कम्स टू रेस्ट आपको टाइम निकालना है जब आपका व्हील किस में होगा रेस्ट में जब व्हील रेस्ट में होगा तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होगी जीरो फाइनली व्हील को किस में आना है रेस्ट में तो हमें निकालना है टाइम जिस टाइम में ये रिटार्डिंग टॉर्क इस व्हील को किस में लाएगा रेस्ट में लाएगा वो टाइम निकालना है लेट अस डू इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया गया है 3 × 10^2 केजी मीटर स्क्वायर ये व्हील जो है ये रोटेट करता है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इक्वल टू 4.6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसके बाद मैंने इसको रिटार्डिंग टॉर्क लगाई टाउ वो है 6.9 × 10^2 न्यूटन मीटर फाइनली जो व्हील है वो रेस्ट में आता है जो ओमेगा जो वो है जीरो आपको टी निकालना है देखो बेटा यहां पर मैं दो रिलेशंस का यूज करूंगा एक रिलेशन मेरे पास है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा अब टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा के लिए मुझे कौन सा चीज ढूंढना है अल्फा ढूंढना है टाउ भी दिया गया आई भी दिया गया मैं अल्फा ढूंढूंगा ठीक है ना अल्फा जो होता है वो होता है ओमेगा डिवाइड बाय टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देखो मैं कैसे अल्फा ढूंढूंगा इसको रखूंगा फर्स्ट नाम में मुझे पता है ओमेगा जो है वो होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ठीक है ओमेगा जो है वो क्या है जीरो ओमेगा क्या है जीरो चूंकि फाइनली रेस्ट पे आता है जीरो इज इक्वल टू ओमेगा नॉट किसके बराबर है शाबाश 4.6 शाबाश प्लस अल्फा इनटू जो मेरा टी है टी कितना है शाबाश टी निकालना है ठीक है बच्चा शाबाश इसको यहां ले लो ये है माइनस 4.6 इज इक्वल टू अल्फा टी टी निकालो या अल्फा निकालो अल्फा हो गया माइनस 4.6 डिवाइडेड बाय टी रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ओमेगा जीरो है व्हील फाइनली रेस्ट में आता है ओमेगा नॉट दिया गया है मुझे यहां पर अल्फा की जरूरत है तो अल्फा निकला माइनस 4.6 डिवाइडेड बाय टी ये नेगेटिव साइन जो है ये दिखाता है कि आपका जो क्या दिखा रहा है जो आपका व्हील है वो रिटार्ड हो रहा है यहां पर नेगेटिव साइन जो है ये दिखाता है जो व्हील है उसकी रिटार्डेशन आती है असली अल्फा का वैल्यू है 4.6 डिवाइड बाय टी 2 ठीक है ना अब ये नेगेटिव साइन दिखाता है जो व्हील है इसकी क्या होती है रिटार्डेशन अब अल्फा का वैल्यू उठाएंगे इसमें देंगे फर्स्ट में ठीक है ना फर्स्ट में हम टाउ का वैल्यू भी देंगे आई का वैल्यू भी देंगे अल्फा का भी वैल्यू देंगे ठीक है ना पुट वैल्यू ऑफ टाउ आई एंड अल्फा इन फर्स्ट यहां पर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तीनों का मैग्नीट्यूड लेंगे टाउ का वैल्यू क्या है शाबाश 6.9 × 10^2 इज इक्वल टू शाबाश आई का वैल्यू कितना है शाबाश 3 × 10^2 ठीक है ना इंटू अल्फा का वैल्यू निकाला मैंने वो है 4.6
डिवाइडेड बाय टी, यहां मैंने मैग्नीट्यूड लिया क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम जब निकालना है तब मुझे नेगेटिव साइन को पुश नहीं करना है, टाइम इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। तो टी निकालो, टी निकालो, टी यहां जाएगा, ये जो है ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये बनेगा टी इज इक्वल टू 3 × 10⁻²⁴.6 डिवाइडेड बाय 6.9 × 10⁻², ठीक है ना। 2 और 2, 10⁻², 2, 10⁻², 2 कैंसिल, ठीक है। इसको हम 6 मानेंगे, इसको हम 3 मानेंगे, इसको हम 4 मानेंगे, ये पॉइंट हम नहीं चलेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम इतना। ये हो गया 3 1s are 3, 2s are ऐसे, ठीक है ना, 2 1s are 2, 2s are, ठीक है ना। अरे ये इसको हम 3, इसको हम 2 मानेंगे, है ना 6.9, चलो इसको 2 मानेंगे, ठीक है ना। 3 1s are 3, 2s are, ठीक है ना, 2 1s are 2, 2s are 4, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका टाइम होगा दैट विल बी 2 सेकंड्स, दैट विल बी 2 सेकंड्स। अच्छा 2 सेकंड ऑप्शन है, वेरी गुड क्वेश्चन, ब्यूटिफुल क्वेश्चन, सो मेनी टाइम्स आस्क्ड इन द नीट ऑल्सो, इसका उठा भी सकते हो आप। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय या इज गिवन बाय, ने क्वेश्चन आपने गलत लिखा है, फुल क्वेश्चन है, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी बार आते हैं। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजिशन, यानी एंगुलर पोजिशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया होगा, एंगुलर पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय थीटा टी इज इक्वल टू 2t³ - 6t² यानी आपका जो एंगुलर पोजिशन थीटा टी है दैट इज गिवन थीटा टी इज इक्वल टू 2t³ - 6t² 2t³ - 6t² आपको इसी एंगुलर पोजिशन से टाइम निकालना है, लेकिन वो टाइम जब आपका टॉर्क किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम जीरो एट, तो टाइम निकालना है किस टाइम पे टॉर्क जो है वो जीरो बनेगा, ठीक है ना। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। थीटा है बराबर 2t³ - 6t² इसको मैं नाम रखूंगा फर्स्ट। आपको निकालना है टाइम जब टॉर्क जीरो होगा, ठीक, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम व्हेन टाउ इज इक्वल टू जीरो, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम व्हेन टाउ इज इक्वल टू जीरो। देखो यहां पर देखो, ओमेगा होता है किसके बराबर, शाबाश बता फटाफट, बता फटाफट, टाउ जब जीरो होगा तब क्या आपका होगा, बता फटाफट। इसका मतलब है आई अल्फा जीरो होगा, क्योंकि टाउ किसके बराबर है, आई अल्फा, और आई भाई ठीक है ना, टाउ जब जीरो होगा दिस एम्प्लाइज आई अल्फा इज इक्वल जीरो, क्योंकि आपको पता है टाउ किसके बराबर है, आई अल्फा के बराबर, क्योंकि ये व्हील है, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं हो सकता है, बट आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांट बी जीरो, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी जब टॉर्क जीरो होगा तब अल्फा क्या होगा, जीरो। यहां देखो मेरी तरफ, अल्फा होता है डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है, ओमेगा होता है डी थीटा बाय डी टी, क्या होता है डी थीटा बाय डी टी। अब ओमेगा का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, ओ भाई अल्फा किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी डी ओमेगा बाय डी टी, मगर ओमेगा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाय डी टी। अब ओमेगा का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, आपको अल्फा निकलेगा डी बाय डी टी ऑफ, शाबाश, ओमेगा का वैल्यू दैट इज डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। ये देखो ओमेगा है डी थीटा बाय डी टी, यहां देखो ओमेगा का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो अल्फा बन गया डी बाय डी टी ऑफ डी थीटा बाय डी टी, यानी अल्फा बना डी टू थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, डी टू थीटा डी इंटू डी हो गया डी टू डी स्क्वायर, डी टू थीटा इसको ऐसे करते हैं डी टू थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, अल्फा के बराबर, यानी अल्फा जो होता है वो होता है सेकंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी उस थीटा को हमें दो बार डिफरेंशिएशन करनी है तो हमें क्या निकलेगा, अल्फा, ठीक है।
तो हम याद रहेंगे, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, बट अल्फा इज इक्वल टू डी टू थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, अल्फा मतलब क्या रूप में, डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज आपको निकलेगा डू डी टू थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, टाउ है जीरो, टाउ का जीरो होना, आई अल्फा इज इक्वल जीरो, I is not equal to zero. This implies alpha is equal to zero. मगर alpha जो है वो है d2 theta divided by dt square. इसका मतलब है d2 theta divided by dt square is equal to zero. यानी मुझे पहले ये equation दो बार differentiate करनी है। कितनी बार करनी है? हम कहेंगे differentiating equation first with respect to time, with respect to t. Differentiate करो। ये बनेगा d theta by dt, d theta by dt है ना, डिफरेंशिएट करो, इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू लगाओ, ये होगा डी बाई डी टी ऑफ शबाश टू टी क्यूब माइनस सिक्स टी स्क्वायर। अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टू टी क्यूब माइनस डी बाई डी टी ऑफ सिक्स टी स्क्वायर। अब जो कोएफिशिएंट्स है वो डिफरेंशियल से बाहर आएंगे, आएंगे ना बाहर, ये बनेगा d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू टू बाहर आएगा, ये बनेगा d बाई डी टी ऑफ t क्यूब माइनस सिक्स बाहर आएगा, ये बनेगा d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर। अब देखो क्या आएगा, आप आपको इधर यहां पर देखो क्या आएगा बच्चों, यहां पर आपको आएगा d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू टू इंटू d बाई डी टी ऑफ t क्यूब, थ्री बाहर आएगा, थ्री आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा थ्री पावर थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन हो गया टू, है ना डिफरेंशिएशन, थ्री नीचे आएगा, ये बनेगा टी रेज पावर थ्री माइनस वन, दैट इज टू, है ना बच्चा, माइनस सिक्स इंटू टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन देखो, वो होगा टू इंटू टी रेज पावर टू माइनस वन, दैट इज वन। ठीक है, तो आपको डी थीटा बाई डी टी जो है वो निकला आपको सिक्स टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व टी रेज पावर वन। ठीक है, इसको रखो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फोर्थ, अब मुझे क्या करना है, मुझे नहीं निकालना है d थीटा बाय dt, मुझे निकालना है d स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय dt स्क्वायर। मुझे इसको एक बार फिर करनी है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर करनी है, ठीक है ना, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू t, यानी ये बनेगा ऐसे d बाय dt ऑफ d थीटा बाय dt, यानी जो d थीटा बाई dt है इसको मुझे फिर से करनी है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बनेगा d बाई dt ऑफ d थीटा बाई dt इज इक्वल टू d थीटा बाई dt का वैल्यू दे दो, ये बनेगा d बाई dt ऑफ 6t स्क्वायर माइनस 12t रेज टू पावर 1। बच्चों याद देखो d * d हो गया d2, ये बन गया d2 थीटा डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू, अलग अलग करो वहां, ये बनेगा d बाई dt ऑफ 6t square minus d by dt of 12t raised to power 1। ये बनेगा सीधे आपको 6 जो है उसको बाहर लाएंगे, ठीक है ना, 6 को बाहर लाएंगे, ये बनेगा d by dt of t square minus 12 को बाहर लाएंगे d by dt of t raised to power 1, ये बनेगा आपको 6 into t square की differentiation होगी 2t raised to power 2 minus 1, that is 1। ये बनेगा 6 इंटू टू टी रेज पावर वन माइनस ट्वेल्व टी रेज टू पावर वन की डिफरेंशिएशन होगी 1 टी रेज टू पावर वन माइनस वन, दैट इज जीरो। ठीक है ना, टी रेज पावर वन माइनस वन उधर, अरे भाई 1 नीचे आएगा, टी रेज टू पावर वन माइनस वन वो कितना होगा, टी रेज पावर जीरो। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो ये बनेगा 6 टू आर 12 टी माइनस 12, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज 1। तो आपको d2 थीटा डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर जो है वो निकला 12t माइनस 12, मगर d स्क्वायर d2 थीटा डिवाइड बाय dt स्क्वायर किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो इसका वैल्यू जो है वो थर्ड में सब्स्टिट्यूट करो, थर्ड में लगाओ, ठीक है ना, तो d2 थीटा डिवाइड बाय dt स्क्वायर बोले क्या लिखूंगा बच्चा, शाबाश बंदर क्या लिखो, शाबाश 12t, बोले 12t माइनस क्या है माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, 12 वहां जाएगा, ये बनेगा 12t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 1 सेकंड।